असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो हो चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि आज हम लोग को जाना था चेकअप के लिए। सुमा और बेटी दोनों का चेकअप है आज डॉक्टर के पास ही। सो इसके लिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए, और आज मेरी बेटी ने मुझे ज़रा भी सोने नहीं की है। 10 बजे सोए हम लोग और 11 बजे उठ गई हूँ मैं, क्योंकि एक घंटे की नींद नहीं मिली। रात भर सोए और सुबह से 6 बजे जो जगा रही थी, अभी तक की जगाई रही थी 11 बजे 10 बजे तक के। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर चेकअप के पास। डॉक्टर ने येलो पर उसको बोले थे, जो उन्होंने बोले थे एक हफ्ता देखना, एक हफ्ते बाद मुझे चेकअप को दिखाना, क्योंकि जहाँ मैं चेकअप को जाती हूँ वहाँ पर इसका चेकअप का भी डॉक्टर रहते ही है, तो मेरे साथ साथ उसका भी हो जाएगा। सो इसलिए जाते हैं। सुदानी से आ गए सुबह, तुम फ़ोन के तो उठी, मैं वरना मैं उठ भी नहीं। बच्ची की फिकर है। हो सोए पड़े रहते झुटे। अल्लाह तौबा 11 बजे उठते नहीं है। पहली बार खुद की सुबह हुए जल्दी, वरना ये गाइस 3-4 बजे आराम से उठते। इनको बोली भी रात को सो मेरे पास, तो भाग गए, मालूम है रात भर जगाएगी वो। क्यों यहाँ पर फिक्र नहीं होती तुम्हारी? क्या वो आगे देखो, आइजल मस्त तैयार हो रही है उधर। सो गाइस यहाँ पर उसको मस्त रेडी कर रहे हैं। मम्मी ने ना सब धोने डाल दी, हमारे पास यही ऑप्शन बचा है, उसको पानी का यही कपड़ा था। कितने दिनों बाद मैं कितने दिनों बाद उधर मेरे से पूछो जरा कैसी हालत थी। आज थोड़ा मैं हेयर वॉश करी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके ड्रेसिंग चेंज करना था। डॉक्टर ने बालों की जू देख रही है, जू नहीं होती, बास आ रही थी क्योंकि ऑयल लगाई थी, और उसमें मैं नहा भी दिया ना सर वापस। गाइस हम लोग निकल गए थे और पहुंच गए घर। अब्बा मम्मी अभी तक के आए, हम लोग हमसे पहले निकल गए, फिर भी हम लोग पहले आ गए। क्यों ऐसा? अंकल चलाते वो स्लो गाड़ी। अच्छा ये तो अच्छा आ गई, इधर से है, कहाँ से है? चलो मैं को ये देखना, चीन की मिल ना स्कूल की, स्कूल जाना पड़ेगा स्कूल। हाँ तो फिर गाइस हम लोग आ चुके थे घर पर, और इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है मेरे हाथ में। सो जो सब मलम वो सब लगाने दिए है मुझे, तो अलहमदिल्ला से मैं भी फिट हूँ, मेरा बेबी भी फिट है माशाल्लाह से। सो कुछ तकलीफ़ नहीं है, और ऐसी रहे हमेशा से कुछ तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि बेबीज लोग को बहुत तकलीफ़ होती है, तो बहुत भारी पड़ता है डॉक्टर्स के पास जाना, फिर उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसलिए तो बस और कुछ हाँ सब बोले। यस और तुम कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलूँगा, देखो इधर तुम है, मैं इधर आई जल सो की इधर मैं सो। अलग से पलंग चाहिए तो घर पे क्या करोगे? घर पे है बड़ा पलंग, इधर छोटा पलंग है, छोटा कर अपना घर बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यहाँ पर बाप की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो जा रहे हो तुम? खत्म नहीं हो गई, मैं जा पा घर पे मम्मी का कब से वो बोली क्या हुआ। अभी जा रही हूँ मैं एडिट करने, फिर मैं भी जा रही हूँ सोने से, मिलते आप लोग को डायरेक्ट सोने के बाद, फिर खाना खाते हैं, फिर आगे होता है वो बताते हैं। मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसा है बेटा, क्या बोला डॉक्टर ने उसके बच्चे को? डॉक्टर ने ऐसा बोला सब ऑल राइट है, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बोले कुछ भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिर्फ थोड़ा सी प्रिकॉशन रखो, मतलब थोड़ा सी केयर रखो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र, चल ना से पहले हो ही जाता है, मतलब घर पे एक चीज दिखाने के लिए। तो आंटी तुमने कुछ चीज देखे? एक मिनट आगे बता। इंसान बन गया, इंसान दिख रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे से नाराज हो गई, बाल कटा दिया तो पहचान नहीं है, बोले क्या हो गया ये, है ना नहीं पहचान रही है ना। गाइस हम लोग आ गए थे घर पर, और जैसे कि आप लोग ने देखे तो मैं सो गई थी, क्योंकि रात भर इसने जगाई थी, तो सुबह ही हम लोग सोए थे 1-2 घंटा। उसके बाद हम लोग दोनों सब लोग सो गए थे, फिर अभी जस्ट उठे हैं, तो आप लोगों को मुझे सब चीज़ शेयर करनी थी वैसे ही। सो इसलिए अभी जैसे मतलब अभी कितने दिन हो गए हैं मेरे बेबी को आके, आइजल को आके, अभी मैं आप लोग को नाम कब बोलूँगी उसको नाम लेके। सो आइजल को आके इतने दिन हो गए, तो क्या क्या हुआ है वो सब दिनों में, तो मैं वो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो आइजल को उतने दिनों में क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं और क्या क्या नहीं आए, वो सब मैं बताना चाहती थी आप लोग को, शेयर करना चाहती थी। तो आइजल की देख लो गाइज, दो बैग भर के कपड़े पड़े हैं। तुम लोग की हो दो बैग भर के कपड़े, आगे लेते तो मेरे कपड़े भी नहीं है।
तो चलो आओ बच्चे के कपड़े दिखाएगी अपन। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है अब्बा आ जाओ। कोई संभालना है नहीं मेरी बेटी को, मैं अकेला ही संभालता हूँ। हाँ देख रहे हो मम्मी, चलो खोलेंगे। हाँ खोलेंगे ना। पहले तुम्हारे घर से जो जो आया था, तो गाइस दानिश के घर से जो जो सामान आया था वो सब मैंने खुद ने ओपन नहीं करी, अभी तो आप लोगों के सामने ही मैं उसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि कितने महीने के कपड़े हैं, वो क्या क्या है, कभी पहना सकते हैं कभी नहीं पहना सकते है। बोलो पूरी सूटकेस भर गई मेरे घर वाले इतना दिए। ओहो हो सूटकेस छोटी है। अच्छा समझे। हाँ अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। यस अभी तो आपको 40 दिन के अंदर देखना है क्या क्या आने वाला है। यो यो पता है तुमको 40 दिन के अंदर क्या क्या आएगा? वो तो यहाँ से आएगा देख रहे। चलो अपन वो तो फिर खिलौने आएगी यहाँ से, तो खाए को खिलौने क्या करोगे, इतनी सी छोटी बच्ची थोड़ी खेलेगी। अभी कपड़े तो बहुत हो गए लेना, अच्छे अच्छे PS5। हाँ 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 खुद के फायदे हुए। बड़ी खेलेगा साथ ना, वो तो नहीं नहीं मोबाइल खुद ही बोले थे ना मेरे बच्चे को आदत नहीं डालना, नहीं वो क्यों बनाएगी, वो बड़ी होगी तब बनाएगी। सही तो बोले आइजल 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 आइजल। गाइस सबसे पहला बच्चे का गिफ्ट था ये। गिफ्ट नहीं था ये अपनी तरफ से था, हम लोग को भी नहीं मानता कि गर्ल होगी बॉय होगा, बट गर्ल ही होगी। बाकी हमने गर्ल को लाया था, गर्ल ही हुई माशाल्लाह। हमारे घर में इतनी रहमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज के हम जाहिर नहीं कर सकते, नजर लग जाती है। बता खोलते हैं हमारी बच्चे की पेटी नहीं की तिजोरी संदूक। मैं तुम बच्चों को मैं निकालता हूँ पेट ऊपर ही ले लिए नीचे। अरे बाय बाय झुकोगे तो मतलब तुम निकाल निकाल के तो मैं ओपन कर मैं मेरा रखता हूँ ना, तुम निकाल निकाल के बताओ। तो सबसे पहले जो ये कुप्पी ने दिए थे, ये पूरा घर ने मिल के दिए थे, जिसमें नाम वाम किसका कुछ लिखा नहीं है, बाकी सबने दिए थे। ये हमने खास कर लाल कलर इसके लिए लेते क्योंकि ना वो रोती ना तो हम रेड हो जाती, तो लाल कलर बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह। कितने महीने तक चलेगा? 3 महीने के 6 महीने चलेगा, 3 महीने 1 साल भी चलेगा अगर अच्छा। हां अगर हेल्दी नहीं हुई तो हेल्दी हो जाए। सो गाइस मेरी बेटी के लिए आई है पोटली, और जो भी पैसा देगा ना उसको हाथ के ग्लव्स है, हाथ के नहीं सॉरी पैर के है ना, नहीं हाथ का है, हाथ का है वो, पैर का ऐसा पैर का निशान जैसा रहेगा। हां पोटली इसमें जो भी चिल्ला पैसा होगा जमा करेंगे, बस तू पैसा पैसा ही करो। मैं बोलना तूने बोल दिया, चल रात को आपको पैसा रिटर्न दे देंगे। हाँ, भाई लो मेरे चॉकलेट लाना, मैं लगे चॉकलेट लेके आया हूं उसके लिए, उसके लिए नाना है उसका सब लाने के लिए। अभी हम लोगों ने ओपन कर दिए थे, ये अभी अपन पहना सकते हैं इसको, अभी आ जाएगा ये साइज, ये तो साइज की है अभी है ना। ये भी बड़ा आएगा उसको भी, ये टोपी बहुत बड़ी है। हाँ, वो तो ले भी थोड़ा ये नाना को पिलाओ। ये क्या है? दूध की बॉटल का, अरे बॉटल तो पीती नहीं हूँ। ये चड्डी इसकी छोटी सी, एक चड्डी है लगा एक ही है। ये नैपकिन, अभी नैपकिन आ गया छोटा सा, अब मोजे है दो, दो मोजे है, दो टोपी है और कंघी है बापी से, और ये इसके हाथ के है, और ये हैंडकरचीफ। वाओ ये वाला कपड़ा ओपन करते, वाओ ये कलर भी बहुत प्यारा है, ग्रे कलर। तेरे पास भी तेरी फोटो है, गए तेरी फोटो है, बिना के मेरी फोटो नकली बाल लगाई थी इसने। हाँ, हाँ, ऐसी ये कभी आएगा? मेरे तो 3-3 महीने के कपड़े, नहीं नहीं 1 साल के आएगा, 1 साल 6 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो जब तक दानिश को बिना देना, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है। अभी फिर ये आता है फ्रॉक, ये भी अभी आ जाएगा, ये भी 1.25 महीने बाद आ जाएगा। अंदर की चड्डी है, ये वाला कलर भी बहुत ही प्यारा आया है, ये वो ये भी 3 महीने के अंदर अंदर आएगा सब कपड़े। बच्चों के कपड़े ऑलमोस्ट 3 महीने तक के अच्छे हैं, ज्यादा लड़कियों के ज्यादा अच्छे हैं, लड़कियों के अच्छे। ये मत खोलो, मैं तो बोलती हूँ
ये हम लोग का पूरा सेट आया था, इसका पूरा सेट है ये, तो ये भी नहीं खोलती हूँ, यूज में नहीं रहा। कौन सा सेट है? हो जाएगा हिमालया बच्चे का पूरा। क्या क्या उसके अंदर? सब चीजें खुला हुआ था, क्या नहीं खोलती हूँ। मसाज ऑयल, अरे निकालती नहीं उसको, मसाज ऑयल है बेबी से खुला हुआ। चलो गाइस, मेरे को सबसे प्यारा यही लगा था, जब वो पहनेगी ना तो बहुत प्यारी लगेगी ये। तेरे पे लगा लेंगे ना, अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये बहुत प्यारा लगेगा उसके बाद पहनने के बाद उसको, ये मगर ना एकदम उसको उठाने की बहुत मजा आएगी। क्योंकि बोलोगे ना एकदम बोलते ना एकदम टेरी बेल होता ना, वैसा लगेगा एकदम। और ये क्या है? ये इसको लगा था की मेरी बच्ची अभी तक चाटने लगेगी ना, तो ये खेलेगी फिर मन पड़ा अपने टकले में मारेगी, तकलीफ नहीं होगी। छह महीने की होगी, छह महीना अच्छी बैठने लगेगी ना, बैठने लगेगी ना तब खेलेगी। स्पंज लबड़ का आता है बच्चे लोग का, नहीं नहीं लबड़ का बच्चों का मिलता है, भूखे उसको अच्छे से कर लेगा। हाँ बच्चे लोग के लिए होता है, बनाते हो। चलो एक बैग हो चुकी है, खा मेरा एक। अरे वो ये कल आया ना जो। सो गाइस, एक और छोटा बैग है, अभी हम कभी ट्रैवल करने आएगी थी तभी दोनों तीन सूटकेस भरना पड़ेगी, दो तो इसकी एक उसकी, में तो कपड़े ही नहीं है, तुम्हारे जूते कपड़े सब है। सो गाइस, एक छोटा टेडी बेयर, एक छोटा टेडी बेयर आया, हमारे दो दो पिंक कलर के टेडी बेयर हो गए। ये नहीं कटे का पूरा सेट, नए कटे कंघी और ये कैंची, कैंची है, कंघी है, ब्रश है, नेल कटर है, ऐसी पूरा दिए होंगे का नाखून, बच्चों का भी निकल गया। बाप रे, अभी कैंची से क्या काटेंगे लोग, कैंची क्या पता। तो गाइस, ये टॉवल, टॉवल गाइस, सबसे अच्छी चीज ये, मैं को बच्चों बहुत पसंद थी। ये यूनिकॉर्न कलर का है, अच्छी हो, बाल लग जाएगी मैं लगेंगे। ये टॉवल है, क्यूट सा, इसका भी यूनिकॉर्न बनो टेडी बेयर। चलो लास्ट पर मोजे, जूते, ये जूते पिंक कलर के, ये वापिस है, यूनिफॉर्म आया, कितना क्यूट, ये तो अभी पहनने गए थे। हां, ये अभी पहनने का ना अभी, दोनों कपड़े उसे एंगल भी मिल गया, कपड़े के घर में कबाड़ में एंगल लटका नहीं है। हां, वो कवर लेने वाला, इसका छोटा कपड़ आएगा ना, तो ये तो 3 महीने लाइट सूट है। हां, गाइस मैं बॉटल बोला ना, बॉटल आ गई पहले, उसे साइज की है, ये भी अभी नया, ये 3 महीने के कपड़े, उसके नैपकिन, नैपकिन ये वाला टोपी है, हम लोग के पास भी सेम से, मम्मी ने भी लेके आई वाली टोपी, ये सब जूते, बस हो गया ये जूते ना, ये सब मेरी जो मैंने बॉय पर्सन से सीखा। तो गाइस, और है ना, मैंने लाए ना वो फ्रॉक, इतने बहुत पहले लाए थे सामान, अंकल की, अंकल की पसंद के वो कलर्स, ऐसे ऐसे बोलो, इतने ऐसे क्यों आएगा कपड़े, तो ये सब अभी पहनाते हैं मम्मी, उसको रेगुलर, जबले नहीं फ्रॉक से, फ्रॉक मतलब मम्मी को ना पहले टी शर्ट शर्ट लेके आते, क्योंकि हम लोग पता नहीं, तो वो पहनती थी ना तो ऐसा लगता था लड़का है वो, तो वो बाल भी ऐसे बनाते थे उसके, ऐसे चप्पू, ये क्या लेके आए, ये भी पूरा ड्रेस है, ऐसी सब ऐसी ओपन सामने से होता है। चलो ये सब रख दो, वो पूरा सेट था, पूरा बना के वैसा भी कपड़े हो, ये भी हम लोग का गिफ्ट आया था, हॉस्पिटल में था, ये 1 साल के बच्चे के लिए। हाँ, ये नहीं, ये अभी पहना सकते, ये वाला व्हाइट वाला, और ये 3 महीने की होगी तभी, और ये 1 साल की होगी तभी। अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों के मिलते, कपड़े बहुत जमा होते हैं, 5 साल तो अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, खरीदने की जरूरत नहीं लगता है मेरे को। एक साल तक चलेंगे, फिर बाद में इसकी बर्थडे होगी तो फिर वापस आएंगे, फिर और आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आते रहेंगे, चलते रहेंगे, मतलब 5 साल तो फ्री में पड़ी। सो गाइस, बस यही था हम लोग का गिफ्ट का सेशन पूरा डन, और आइजल का चेकअप भी हो चुका है, मेरा भी चेकअप हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल राइट है, तो मैं सब चीज़ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, तो प्लीज कॉमेंट में कि अखा दिन बेबी 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 करते हो। सो हमारे घर में खुशियां आई है, तो हमारे घर में सिर्फ बेबी अभी बेबी नहीं चल रही है, 5 साल तक ही चलते रहे बेबी बेबी बेबी, क्योंकि 5 साल तक ना, क्योंकि 9 महीना हम लोगों ने इतना वेट करे, और आप लोग ने भी इतना वेट करे, गर्ल होगा बॉय होगा, गर्ल होगा बॉय होगा, तो अभी सब चीज हो गया, और फेस रिवील की बात आती है, तो फेस रिवील में
लेट ही करेंगे हम लोग, क्योंकि नजर बहुत बुरी चीज है। ये चीज हम लोग ने आजमा चुके हमारे खानदान के बच्चों पे भी, क्योंकि हम लोग उन लोग की फोटोज रखते तो नजर बहुत लगती थी, इसलिए हम लोग चाहते कि उसकी फोटोज नहीं आती। कोई माशाल्लाह बोलता है, कोई नहीं बोलता है, वो रीजन की वजह से हम लोग नहीं शो करेंगे। तो इंशाल्लाह से उसके लिए भी वेट कर, जैसे हम लोग सब चीज शो कर चुके आप लोगों को, तो इंशाल्लाह फेस भी और बस दुआ करते रहो इसी हमेशा से, और ऐसे हम लोग को प्यार दिखाते रहो वीडियोस में और कमेंट्स भी करते रहो। लाइक मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी इतना, क्योंकि बहुत कमेंट्स हैं गाइस, हमें कर लूंगा। सो चलो गाइस, हम लोग यही व्लॉग एंड कर रहे हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।